हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होगे। तो अभी जस्ट सुबह की बज रहे 7:30 और मैं जस्ट अभी उठा क्योंकि काफ़ी कल थक चुका था। और जैसा कि आप सभी को पता ही था, हम लोग गए थे कहाँ, और जस्ट अभी हम जा रहे हैं दूध लेने। और अभी हम दूध लेने जाएंगे बाइक से और जस्ट चलते हैं दूध लेने। जैसा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ओस जम चुकी है, रात में गिरती होगी और ये पानी पानी हो चुका है, पूरा गीली हो चुकी है सीट। और देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, जल्दी हमसे हम चलते हैं। आज तो मैं बाइक चलाऊंगा और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसा क्या होता है, बनती है मुझ पर या फिर नहीं। और देखते हैं, भैया बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, जस्ट मैंने बाइक चलाई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर काफ़ी ठंड लग रही है और यहाँ पे देख सकते हो कोहरा भी काफ़ी है। जब मैं आया था जब तो और ज़्यादा था, इस साइड भी देख सकते हो आप लोग और कुछ फ़ोटोज में आपने देखा ही होगा। एंड तो यहाँ पे मैं पुल पे खड़ा हूँ अभी, एंड वहाँ से वहाँ तक आप लोगों ने देखा ही होगा व्यू, एंड काफ़ी मस्त है। नीचे से पानी जा रहा है और यहाँ से सब लगे हैं अपने खेतों में पानी देने, कृषि उपयोग हो रहा है, पानी तो काफ़ी अच्छा है। और जस्ट अभी हम चलते हैं घर और फिर करेंगे आपसे घर जाकर बात। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं घर पर और जस्ट काफ़ी ठंड लग रही है तो अभी हम आग सेक लेते हैं। यहाँ पे जल तो नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी, और अभी हम जला लेते हैं इसके लिए। सो फ्रेंड्स, हमारी आग भी अभी जल चुकी है और जस्ट अभी हम सेक लेते हैं। काफ़ी ठंड लग रही थी और जैसा कि आप सबको मैंने व्यू बताया, वहाँ पे काफ़ी कोहरा भी था जब गए थे, जब काफ़ी था और अब तो काफ़ी पहले कम भी हो चुका था। एंड तो जस्ट अभी हम चाय पीते हैं, चाय भी बन चुकी है। फ्रेंड्स, अभी हमारी चाय भी आ चुकी है और ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो अभी हम जस्ट पीते हैं जल्दी चाय क्योंकि ठंडी हो जाएगी एंड मज़ा आ जाएगा चाय पी के। और जस्ट अभी हम फिर करेंगे आपसे चाय पी कर बात। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने चाय पी और धूप भी काफ़ी निकल चुकी है अभी, इसीलिए मैंने ये जैकेट उतार दी है सब कुछ, एंड धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग भी देख सकते हो। अभी तो काफ़ी मज़ा आ रहा, सुबह से इतना कोहरा था, इतनी ठंड थी, मुझे तो नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकल चुकी है। और जस्ट अभी हम क्या करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी अभी हम पढ़ाई करेंगे और फिर थोड़ा जाएंगे हम खेलने, एंड क्योंकि काफ़ी मज़ा आ जाएगा ठंड में खेलने में। एंड तो जस्ट अभी तो हम ब्लॉग को फिलहाल में करते हैं कंटिन्यू। सभी शाम के 6 बज चुके हैं और जस्ट दिन भर इतने परेशान हुए लाइट बनाने में, सच में बिल्कुल पूरा का पूरा दिन ही निकल गया मैंने ब्लॉग में। मगर मैं ब्लॉग बनाता तो मेरी ब्लॉग भी बन जाती, लेकिन ब्लॉग की ब्लॉग नहीं बनी। और जस्ट मैं तो अभी आपको बता देता हूँ क्या हुआ, कितने परेशान हुए। आप लोगों के यहाँ कुछ सामान पड़ा दिख ही रहा होगा। एंड जस्ट पहले तो हम एक बोर्ड लेकर आए नया वाला, वो बोर्ड लगाया कुछ नहीं, उसमें क्या हुआ, वो ख़राब निकला। फिर दूसरा लेके गए, वो वापस करके फिर दूसरा लेके आए, फिर हमने लगाया तो उसकी एक जो डोरी थी वो निकल चुकी थी। फिर देखा कि उसमें ये डोरी कितना लगनी है, देखते रहे लगाते लगाते एक में फिट बैठ ही गई। और जस्ट हमारा सेटअप भी काफ़ी अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। एंड ये बोर्ड लाया था मैं, एंड जस्ट ये डोरी वोरी सब लगा के, एंड हमें लगाने थे ये बल्ब जो कि पूरे के पूरे अभी लग चुके हैं, पांचों के पांच, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ये सीढ़ी रखी है यहाँ पे, तो मुझे सीढ़ी बाहर रखनी पड़ेगी। और जस्ट तो अभी हम रख देंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और देखते हैं, पापा तो गया सागर और देखेंगे शाम तक आ जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा आएंगे, वो तो पता ही है रात में आ जाएंगे। एंड तो बाहर देखते हैं क्या होता है, एंड चलते हैं बाहर की ओर और आपको बताते हैं बाहर का व्यू क्या होता है। तो जस्ट एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पड़ा है, जस्ट यहाँ पे एक बल्ब लगा है और कुछ ऐसा है, एंड जस्ट यहाँ पे भी एक लगा है बल्ब। और जस्ट ये रखी दुकान आप लोगों को पता ही है जैसा कि। और अभी तो हमें जाना है गेहूँ पिसवाने और जस्ट गेहूँ पिसवा के आएंगे और फिर करेंगे आपसे बात। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और जस्ट अभी चल रही है सबकी दही बल्ली की पार्टी और यहाँ पे आग सेक रहे सब लोग। और देखते हैं अभी तो फिलहाल में खाते हैं, काफ़ी मजा आने वाला है। एंड तो जस्ट खाते हैं और फिर करेंगे आपसे बात। फ्रेंड्स, अभी हमने दही बल्ले खाया एंड काफ़ी मज़ा आया सच में। एंड तो जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है लट्टू, एंड आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और इसे इस बटन पर प्रेस करो तो ये चलने लगता है। एंड हम चला के देखते हैं कैसा चलता है, क्या मज़ा आता है, ये तो अपने आप ही चल गया यार।
क्या हो रहा है आप लोग भी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है एंड काफ़ी सही है। और क्या होता है अभी हम फिर से चलाएंगे क्योंकि ये तो सब पोपट हो गया, अपने आप ही चलने लगा। क्या होता है अभी हम इसे की चाबी भरते हैं और फिर से चलाते हैं, आपको बताते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने इसकी चाबी भर ली है और इस बटन पर अभी हम प्रेस करेंगे और ये चलने लगा, देखते हैं कब तक चलता है कितना तेज। एंड ये दब जाए यार, फ्रेंड दब क्यों नहीं रहा, क्या हो गया यार इसे, क्या हो गया, रुक जाओ मैं फिर से भरता हूँ, मुझे लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे। सो फ्रेंड्स अभी हमने फिर से देखा है चलता है या फिर नहीं, मैंने काफ़ी चाबी भर तो ली अभी एंड ये दबता क्यों नहीं यार, ये दबता क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रुक जाओ एक बार और लास्ट बार ट्राई करता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स मैं अभी लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने खोल के फिर से लगाए स्प्रिंग, इसके अंदर एक स्प्रिंग है छोटा सा एंड तो ट्राई करते हैं चलता है या फिर नहीं। और फ्रेंड्स चलने लगा, आप भी देख सकते हो काफ़ी तेज एंड काफ़ी आप मतलब कि तो फाइनली रुक गया। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं रात के 10 और जस्ट मैंने अभी किया डिनर और जस्ट मैं हूँ आपके सामने। और कल तो मेरे स्कूल में वैक्सीनेशन है, कल 3 तारीख है तो मुझे वैक्सीन लगेगा और अभी से तो काफ़ी घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है क्या होगा कल एंड देखते हैं क्या होता है। एंड एक्सपीरियंस तो अभी तक मेरा वैक्सीन लगवाने का मतलब मुझे अभी फर्स्ट डोज लगना है एंड कब क्या होगा कुछ अभी पता ही है नहीं एंड देखते हैं क्या रहता है। एंड जस्ट अभी तो मैं फिलहाल सोऊंगा अच्छे से और सुबह उठूंगा, सुबह देखेंगे क्या होता है। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।